हाथ में ताकत थी, जनता मालिक है और जनता का निर्णय हो गया, पुनः एनडीए को बहुमत प्राप्त हुआ है और एनडीए की सरकार बनेगी। हम लोग तो सब दिन से कहे हैं कि भाई जनता मालिक है, उनको करना है। नहीं, अभी उस सब चीज़ के बारे में कोई अभी फाइनल नहीं हुआ है। अभी तो आज तो चुनाव आयोग ने ही लिस्ट सबमिट किया होगा गवर्नर साहब को, तो वहाँ पर जब लिस्ट सबमिट होगा इसके बाद बाजाबता ये जो हाउस है अभी एग्जिस्टिंग, इसका तो 29 तारीख तक है, इसलिए बीच में ही अगर करना है तो उसको डिजॉल्व बार बार करना पड़ता है, उसके बाद ही कोई नई सरकार बनती है, शपथ ग्रहण होता है। तो इस सब में प्रोसेस जो भी एक दो दिन का लगेगा, तीन दिन का लगेगा, अभी डेट नहीं तय किया गया है। ये तो वही ना कहेंगे, कोई दूसरा कौन कहेगा। एनडीए की बैठक होगी और उसमें औपचारिक रूप से निर्णय होगा। तो जो बैठक हुई बता रहे हैं कि अभी एक दो दिन के बाद ही ना हो पाएगा। अभी नहीं तय हुआ है, दिवाली के बाद की छठ के पहले की छठ के बाद ही अभी तय नहीं हुआ। आज ही लोग आए हुए थे, कल फिर हम लोग बातचीत करेंगे आपस में, सब लोग जो हैं चारों घटक दल के लोग कल मिलेंगे। वैसे हम लोगों की मुलाकात सब लोगों से हो चुकी है, लेकिन एक साथ बैठना चाहिए, तो कल संभावित है कि हम लोग आपस में बातचीत करें। औपचारिक मीटिंग तो उसके बाद हो, मैंने विधानमंडल दल की बैठक तो उसके बाद होगी एनडीए की, लेकिन कल चारों घटक दल के लोग आपस में बैठ के बातचीत करके ही एक एक चीज तय करेंगे कि किस दिन क्या करना है। अभी क्या मंत्री की संख्या तय है, जो लिमिट किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो मंत्री की संख्या तो वही। अब कितने मंत्री पहले दौर में बनते हैं, उसके बाद बनते हैं, ये सब तो बात की चीज है। नहीं, हम अंग्रेजी नहीं समझ सकते जो बोले। ये एनडीए की बैठक में तय होगा ना, ये तो एनडीए की बैठक होगी, उसमें ना निर्णय होगा एनडीए का कौन नेता होगा। जो रिजल्ट आया है उससे आप खुश हैं, क्योंकि आपके चेहरे पे, आपके नाम पर, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और आप सबसे कम सीट लाए, जो आप थे, आप तीन सहयोगी के साथ लड़ रहे थे चुनाव में गए थे, आपकी जो बीजेपी है वो चार सहयोगी के साथ ये चुनाव लड़ रही थी, क्या कहेंगे? नहीं, जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में जो परिणाम है और हम लोगों की सीट का जो कुछ भी है वो हम लोगों ने जो देखा है, एक एक चीज़ का और पूरा विश्लेषण हो रहा है, तो उसको देखा गया है कि किस तरह से हम लोगों के सीट पर कैसे क्या किया गया और उसके चलते जो मतगणना जो है होता है, तो लोगों को अधिकार है, लेकिन कोई इधर का वोट कैसे उसको बांटा गया, किस तरह से क्या किया गया, ये तो इसके बारे में पूरा अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन कई समाचार पत्रों ने और मीडिया के लोगों ने भी देख करके बता दिया है कि जो जेडीयू कितने सीटों पर, अलग अलग बोले हैं लोग, और उसको हमारे पार्टी के लोग भी और सब लोग गठबंधन के लोग भी देख रहे हैं, भाई अपने एनडीए के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये लोग भी देख रहे हैं और पार्टी के लोग भी देख रहे हैं कि कहाँ क्या हुआ है एक एक सीट के बारे में। और ये बात तो सही है, हम तो बिल्कुल, हम लोग तो अपना अभियान चलाते हैं और पूरे एनडीए के लिए अभियान चलाते हैं, लेकिन अगर कोई किसी के द्वारा, सिर्फ उसके यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन खोज करके, खास तौर पर जहाँ मुख्यतः हम लोगों के
क्षेत्र थे वहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा करके वोट को काटा गया है, तो ये तो दिख रहा है। और ये तो मीडिया के लोग भी एक एक बात का अध्ययन करके अलग अलग तरीके से लिख ही रहे हैं, एक एक इसका हम लोगों से क्या मतलब है? हम लोगों का तो कोई इसमें भूमिका नहीं है, रोल नहीं है। हम पर चाहे कोई कुछ भी बोले या कुछ भी करे, लेकिन हम लोगों की तरफ से तो कोई इसमें कोई भूमिका है ही नहीं। हम लोगों की इसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जानबूझ करके हम लोगों के ऊपर प्रहार अगर कोई कहीं से किया गया है तो ये तो वही लोग जानते हैं। और इसके बारे में पूरे तौर पर आकलन करना और क्या करना चाहिए, इसका निर्णय लेना, ये तो बिल्कुल बीजेपी का काम है। वो बीजेपी का करना काम है। हम लोग तो एलआई हैं, एक साथ हैं और साथ मिलकर के लड़े हैं, एक दूसरे के लिए काम किए। लेकिन कोई अगर इस तरह से किया है स्पेसिफिक, कुछ सीट पर बीजेपी के भी कुछ सीटों पर है, लेकिन जेडीयू के बहुत सीटों पर, मैंने इफेक्टिव सब सीट पर नहीं हुआ है, लेकिन इफेक्टिव भी कई सीटों पर हो गया है, ये देखा गया। हमारे एलाइज का क्या गेम प्लान है? हमारे एलाइज का क्या गेम प्लान है? ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। हम देखिए, एक बात जान लीजिए, हम अब तक सेवा किए और इतनी सेवा किए हैं, इस सेवा करने के बाद भी अगर कोई गलतफहमी समाज में पैदा होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आप जरा बता दीजिए कि समाज के किसी भी तबके की हम लोगों ने कोई उपेक्षा की है? कौन इलाका है जिस पर काम नहीं किया? और आप जानते ही हैं कि हम बिला वजह किसी पर बोलते नहीं, हम अननेसेसरी किसी के ऊपर अटैक अननेसेसरी करना, ये सब मेरा काम नहीं रहता है। हम जो भी काम करते हैं उसके बारे में अपनी तरफ से बोलते हैं, बताते हैं। और जितना दिन से भी बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, तो उस बीच में जो कुछ भी करते रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं कि हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। हम लोगों ने काम किया है पूरे बिहार के लिए, और मान लीजिए कि हर गांव को फायदा, समाज के हर तबके को फायदा, किसी भी चीज़, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, किसी भी चीज़ का मामला हो, हर चीज़ में जो इस राज्य में किया गया है तो उसके बारे में तो हम लोग हमेशा बोलते ही रहे और बताते ही रहे, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर मन में कोई बात आती है तो भाई वो तो अधिकार जनता का है ना, हर मतदाता का अपना अधिकार है। और हम लोगों का काम है लोगों की सेवा करना, हम बराबर कहते हैं सेवा करना ही हमारा धर्म है, तो हम लोग सेवा किए। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों के सेवा का और सबको लाभ है, किसी भी गांव में जाइए लाभ है। लेकिन उसके बाद भी अगर काम करने के बावजूद अगर सपोज करिए कि हम लोगों के उम्मीदवार को कोई वोट नहीं करता थी, तो उनका निर्णय है ना, हम उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब तक जो काम करने का मौका मिला, कोई बता दे कि समाज के किसी भी तबके की उपेक्षा हुई, और आप बताइए किस तरह से समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का भी माहौल कायम किया गया, आप जरा सोच लीजिए। उस तरह से सांप्रदायिक दंगा को भी नहीं होने दिया गया है, किसी भी तरह से बहुत तरह के क्राइम के बात लोग होती तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता रहा, ऐसा तो कुछ नहीं है कि क्राइम हो, हर तरह की चीज़ हो। और डेवलपमेंट, हर काम हमने बिल्कुल ही समर्पित भाव से किया, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई साल ऐसा नहीं है जो पूरे बिहार में घूम करके देख करके कहाँ किस तरह से काम हो रहा है इसको देखे नहीं। वैसे तो ये दावा कोई नहीं कर सकता है कि हर आदमी ठीक ही है, चाहे वो सरकारी सेवा में हो या कोई और काम, व्यापार में हो, किसी तरह का कोई काम करता हो, राजनीति करता हो, तो वो तो एक अलग बात होती है। लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से तो पूरा जो प्रयास किया है उसमें सब लोगों के लिए काम किया, सब कुछ किया। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई भ्रम पैदा करने में कामयाब होता है और लोग भ्रमित होते हैं, तो ये तो लोगों को अपना अधिकार है, सोच का अपना अधिकार है, कोई
कोई निर्णय लेने का अपना अधिकार है, सबका ये एकदम बिल्कुल अपना फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, हम लोगों का तो उससे कोई उस पर हमारा है ही नहीं। प्रधानमंत्री इस तो अब मीटिंग होगी उसके बाद हो ही जाएगा ना, सो हम लोगों को क्या करना। एक बात हम बहुत साफ आपको करते हैं कि भाई कोई मेरी तरफ से आपने देखा है, कभी हम दावा करते हैं, हम कभी करते हैं, हमने तो काम किया। और एनडीए का ये निर्णय होता तो जो एनडीए का निर्णय होगा वही ना मान्य होगा, उसमें क्या करते हैं? लेकिन कोई आप हमसे पूछिएगा कि आपका, तो मेरा कोई क्लेम नहीं, मेरा कोई क्लेम नहीं एनडीए के साथ। एक आपने कहा था कि आप 3C पर काम करते हैं, इस 3C पर काम करते हैं और तीनों सी से कोई समझौता नहीं करते हैं, क्राइम, कम्युनिज्म एंड करप्शन। आपको लग रहा है कि आपकी सीटें जब कम आ गई हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके सहयोगी दल आप पर कुछ प्रेशर बनाए, कुछ इस तरह की बात हो, क्या आप आश्वस्त करेंगे बिहार की जनता को? नहीं, हम पर कहाँ कुछ प्रेशर बनाया, हम पर तो कोई प्रेशर नहीं बनाया है, लेकिन जनता के बीच में किस चीज़ की भावना क्या पैदा हुई ये सब तो अध्ययन का विषय है, ये सब तो अध्ययन का और आकलन का विषय है कि कहाँ काम करने पर भी अगर कई लोग आपको साथ नहीं देते हैं तो ये तो उनका निर्णय है ना, उनका अधिकार है, व्यक्तिगत निर्णय, हमको कुछ नहीं कहना। लेकिन जब तक हम काम किए हैं या जब तक काम करेंगे, हम सब के लिए काम करेंगे, हमारे मन में किसी भी प्रकार का लोगों के साथ मतभेद नहीं। और जो आपने कहा क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, इसको किसी भी तरह से हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके लिए जो काम करते हैं वो करते रहे। एक एक बोलिए। ये तो उनका अपना, किसी को बोलने का अधिकार है, हम कुछ बोल रहे हैं, हम कर रहे हैं कि मेरा कोई दावा है, हम तो कुछ कर रहे हैं। आप भाई, अब सबको अधिकार है ना अपनी बात बोलने का, किसी को कोई रुकावट है? जिसको जो मर्जी करे बोले, तो कोई दिक्कत नहीं, फैसला तो जनता लेती है। नहीं, एनडीए को बहुमत में क्या मुश्किल है, एनडीए को सरकार चलाने में क्या मुश्किल है? सर, आपने कहा कि जनता ने आपको सेवा का मौका दिया और आपने सेवा दी, अब जनता नहीं चाहती है कि वो आपका सेवा दे, तो आप क्यों जबरदस्ती सेवा करना चाहते हैं? उसने आपको 43 पर ला दिया, इस मैंडेट को आप कैसे रीड करते हैं? नहीं, हमारा सारे पूरा चीज आप जानते नहीं, हम लोग तो जो पहली बार सरकार बनी तब हम लोगों को 88 आए थे, 141 सीट लड़े, 140 के करीब लड़े थे और दो इंडिपेंडेंट को दे दिया था, यानी 138 में। और दूसरी बार जब लड़े थे 141 हम लोग, तो हम लोगों को आया था 115, उसमें से 4 सीट हम लोग हार गए थे। वो जो तीर धनुष वाला होता है ना, हम लोगों का तीर है निशान, आज जब जब हुआ है हर बार तीर धनुष वाले के चलते कुछ वोट कन्फ्यूजन में जाता है, तो वो सब खत्म हुआ। तीसरी बार जो लड़े तो उसमें हम लोग 101 सीट लड़े, तो ये सब हुआ। इस बार की जहाँ तक बात है, आप देख लीजिए, एक कन्फ्यूजन करने में बहुत लोगों को सफलता मिली, कन्फ्यूजन करने में सफलता मिली। अब आप देख लीजिए कि जब आ रहा था रिपोर्ट, मैंने जिस दिन हो गया मतदान का आखिरी दिन 7 तारीख, और 7 तारीख के शाम के बाद से जो रिपोर्ट आती है, तो उसके बाद जब एग्जिट पोल या किसी तरह का जो रिपोर्ट आने लगा, तो आप जरा देख रहे थे कि लोगों का क्या था। जो मान लीजिए कि उस तरह से जम करके वोट अगर नहीं भी दे पाए तो भी कितना दुखी थे, आप जरा इसको भी जान लीजिए, ये अच्छी तरह जान लीजिए। कुछ भी हुआ, कोई कन्फ्यूजन में कुछ भी करते रहे, हमको उससे क्या मतलब, हम तो काम करने वाले, काम किया, हमको कोई अपनी तरफ से कोई चीज़ का, व्यक्तिगत किसी चीज़ के लिए कोई हमको चाहत नहीं।
लेकिन हम जिस एनडीए के साथ हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं, जनता के बीच काम कर रहे हैं, एनडीए अगर कोई फैसला लेती है तो हम लोग तो एनडीए के साथ हैं, मिलकर के काम कर रहे हैं। तो इसलिए कोई क्या बोलता है, और अब तो हम यही मीडिया से एक आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि भाई ठीक ढंग से कम हम लोगों ने क्या काम किया। अब कोई कुछ बोल रहा है तो उसमें कितना दम, ये क्या बोल, वो कैसे आएगा? आपका अपना जो आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था कम्युनिकेशन, आपने कम्युनिकेट करना बंद कर दिया। आपका एक ये कहा जा रहा है, हम लोग पूरे बिहार में घूमे, सब जगह कहा गया कि यू आर विक्टिम ऑफ योर ओन एरोगेंस। लेकिन कोई एक गांव नहीं मिला जहां पे उस स्कीम का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है। तीसरा आपका सबसे बड़ा जो आपने अपना पूरा पर्सनल स्टेक लगाया शराबबंदी, एक गांव में एक व्यक्ति नहीं मिला जो शराब 2016 के पहले पीता हो, 2016 के बाद उसने पीना बंद कर दिया। आपका फीडबैक सिस्टम क्या हुआ? व्हाई यू स्टॉप कम्युनिकेटिंग विद पीपल? अगर आपको याद हो, आई पर्सनली रिक्वेस्टेड यू कि सर आपने जितना आरटीजीएस किया है, जितना आपने ईबीटी किया है, उसका लिस्ट दे दीजिए। आप मीडिया को ब्लेम करते हैं, बट यू योर सेल्फ स्टॉप कम्युनिकेटिंग विद द मीडिया, व्हाई यू आर ब्लेमिंग अदर्स? नहीं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। नहीं नहीं, आप बोल रहे हैं कि हमारा भरसा लाना चाहिए, लेकिन आप नहीं नहीं, हम ये नहीं कर रहे, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कोरोना काल में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, एंड दैट वाज रियली एंबैरेसिंग फॉर अस, बिकॉज़ एवरी चीफ मिनिस्टर यूज्ड टू कम एंड एड्रेस मीडिया। नहीं, हमको बात समझ में नहीं आ रही। अगर एक बात हम बता देते हैं, हम तो कभी सब बोलते नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को पता नहीं है कि लॉकडाउन से लेकर के पूरे कोरोना के लिए कितना एफर्ट किया हम लोगों ने, किस चीज में काम नहीं किया, और हमसे जो है और जिसको भी बोला है कितना झूठ बोला है, आप जरा बता दीजिए। एक एक चीज का हमने जवाब दिया, एक एक चीज आप लोग भी फोन करके पूछे हैं, और हमने आप लोगों को भी कहा है कभी भी कितना सीरियसली काम हुआ है बिहार में। और अगर हम लोगों के काम को नज़रअंदाज करके कोई उल्टा कहना चाहता है तो उसको अधिकार है, करे, हमको क्या मतलब है उससे। अगर मान लीजिए कि हम लोग काम करें और उसके बारे में गलत बात फैलाया जाता है तो हमको क्या लेना देना है किससे? हमको कोई लेना देना नहीं, अच्छा है करिए। अगर काम करने वाले को इस तरह से आप कोई अपमानित करेगा तो जान लीजिए कि कल बिना काम करने वाला आएगा तो फिर जो हालत में लोग जाएंगे वो जान ले, हमको कुछ नहीं कहना, उस हालत को जरा जान ले, क्योंकि ईमानदारी से देखना चाहिए किसी भी चीज के लिए कितना काम हुआ। आप अगर हमको कृपा करके, हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करेंगे कि अगर कहीं पर किसी चीज के बारे में रिपोर्ट मिले और उसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिले, हम तुरंत एक्शन करवाते हैं। इसलिए कि एक एक चीज के लिए जो तौर तरीका हो सकता है सरकारी तौर पर, और लोगों को भी हम कहते हैं, और जो लोक शिकायत निवारण कानून बना करके वो सब काम किया जाता है, और हम घूम घूम करके एक एक चीज़ का तो फंक्शनिंग देखा है कि फंक्शनिंग हो रहा, लेकिन अगर मान लीजिए कि इस बीच में अगर कोई गलती कर रहा है तो उसकी सूचना मिलेगी तो एक्शन क्यों नहीं होगा? और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, जहाँ तक शराबबंदी की बात है, आप जरा महिलाओं से समझ लीजिए। कुछ लोग हैं, हम तो बराबर कहेंगे कि 10% आदमी तो गड़बड़ करने वाला होगा ही, बाएँ दाएँ चाहे कुछ भी कर लीजिए, हमने शुरू में भी कहा और हमेशा कहते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में काम करने वाले हों, सरकारी गैर सरकारी किसी भी तरह से, राजनीतिक गैर राजनीतिक कोई भी हो, कुछ आदमी का तो सोच और स्वभाव ही अलग किस्म का होता है। आप कोई भी काम करिएगा दुनिया में, आप बताइए, आप ये बताइए कि क्राइम के खिलाफ दुनिया भर में अलग अलग देशों में कितना कानून है? क्राइम रुक गया, कम गया ना? लेकिन ये जो दावा करिएगा कि बिल्कुल ही क्राइम जीरो पर आ गया है, तो ऐसा शायद ही कोई देश है। या मान लीजिए कि पूरे बिहार में अब क्राइम पर कितना कंट्रोल हुआ है, आप देख लीजिए ना भाई, जो भी पब्लिश होता है हर साल, जो लेटेस्ट पब्लिश हुआ उसमें आपका क्राइम में बिहार में 23वां स्थान पर पहुंच गया। क्रिमिनल की एक एक खबर आती है। अब मान लीजिए डेवलपमेंट की बात है, तो भाई डेवलपमेंट का तो छपना रहा है,
2009 में जो पहली बार आया कि हम लोग हाईएस्ट पर हैं रेट ऑफ डेवलपमेंट जो हम लोगों का है, अब आप भी देख लीजिए। तो देखिए काम होता है, लेकिन आप जो कह रहे हैं, हाँ एक चीज जरूर हुआ है कि आप लोगों के साथ जो मेरा कम्युनिकेशन होता था, वो जो हम लोगों से सोमवार के दिन मिलते थे और उसके बाद बातचीत करते थे वो होता था, और बाद में जो हम लोगों ने इसका लोक शिकायत निवारण कानून कर दिया तो कोई एडवाइस के रूप में कुछ बताना चाहते तो वो भी किया, लेकिन उसके बाद कोई ज़्यादा पत्र नहीं आता था। कोई एक एडवाइस होता है ना कि किस चीज़ पर बात करना चाहते हैं, तो उसके चलते धीरे धीरे वो कम गया। लेकिन एक हमको ये रियलाइजेशन हुआ है कि अगर हम लोगों के साथ जो जिसको कहिए कि मीडिया के लोगों से बातचीत करने का एक मौका मिल जाता था वो रहता तो ठीक था, वो सही बात है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ये चीज़ जो कोरोना के दौर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला, तो भाई हम तो आपको भी फ़ोन पर कहे थे, गाइडलाइन जो जारी किया गया जिसको हम लोग पालन कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें क्या लिखा हुआ है, उस गाइडलाइन को हम लोगों ने बिहार में पालन किया, और कोई भी आया उसको हम लोगों ने मदद की। कोई बोलेगा आप बताइए जरा सा, 21 लाख लोगों को जो बिहार के बाहर थे, 21 लाख लोगों को उनके अकाउंट में एक एक हज़ार रुपये हम लोगों ने पहुँचवा दिए, आप सोच लीजिए। इसके अलावा आप देखिए कि जो भी यहाँ आए, तो जो 8 जगह से लोग आए थे, मैंने टोटल रेल से आए 22 लाख, और यहाँ 15 लाख लोगों को हम लोग जो रखे सेंटर में, और उस सेंटर में रख करके एक पर 14 दिन में 5300 रुपया तक खर्च किया। तो एक एक चीज़ तो हम लोग बताते रहे, देखते रहे। चंद लोग कुछ बात को भाई बोलता है खिलाफ, अब उसी का नतीजा है कि लोगों के मन में आ गया, तो हमको क्या है किसी पर ऑब्जेक्शन किसी पर हो सकता है। हमारा काम है, हम बता रहे हैं हमारा काम। आप जरा भी कहिए कि हमको थोड़ा भी वो आप लोग ठीक से नहीं देखें, आप समझ गए ना, हम हर अंतिम चुनाव के सभा में ये बात बोलते रहे, अंत भला तो सब भला। अगर देखिएगा उसका पीछे का देखिए आगे का देखिए, वो कुल मिला करके देखिएगा तब एक बात है। आप जहाँ तक मेरे बारे में कहते हैं ना, आप अच्छी तरह जान लीजिए मेरा व्यक्तिगत कोई च्वाइस नहीं है, लेकिन हमको अगर काम करना पड़ेगा तो उसी मेहनत से काम करते रहते, हम काम करेंगे, वो आप अच्छी तरह जान लीजिए। आपको लगता है इस बार जो आपकी रणनीति रही पिछले चुनाव को लगातार हम लोग देख रहे हैं, आपके सारे रणनीति को आपके विपक्ष ने अडॉप्ट कर लिया, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सामने पीसी, मुख्यमंत्री कुछ बोले तुरंत पीसी, जो घोषणा पत्र हुआ वो घोषणा पत्र भी उन लोगों ने सारे आपके वायदे जो थे, जीविका समूह, आंगनबाड़ी, सहायक सेविका, स्वास्थ्य सेविका, सारे मुद्दे को उन्होंने हड़प लिया, काम किया आपने, कहीं ना कहीं संवादहीनता रही। और जो जिस तरह से आपने पिछले चुनाव को लगातार जिस चुनाव की बात करें तो आपने जिस तरह से तैयारी की थी या लोगों के सामने अपनी बात पहुंचाई थी, इस बार कहीं कमी रही क्या? नहीं देखिए, कमी रही कोई कुछ बोला अगर वो प्रचारित करने में ज़्यादा लोगों के बीच में या भ्रम पैदा करने में कोई कामयाब हुआ तो उसकी सफलता है, जो सफल रहा ऐसे ही बिना मतलब का प्रचार करने में, और हम तो काम करते हैं, तो काम किया तो लोगों को जानकारी नहीं है कि उसके गांव में क्या हुआ, और हम लोगों ने तो आप लोग थे ही, एक हमने इनफॉर्मल एक जो उसको कहिए कि एक संक्षेप में हमने बता दिया था कि आगे हमारे मन में क्या क्या है और जो कुछ भी हम लोगों ने किया आगे के बारे में। और कई लोग जो चीज़ हो ही नहीं सकता है उसी के बारे में बोलना और उसी को प्रचारित करना, तो अब अगर ऐसा चीज़ प्रचारित करके, तो आप देख नहीं रहे थे कि चुनाव के लास्ट डे के बाद अगले दिन से जब रिपोर्ट आना शुरू हुआ तो लोगों को कितनी बेचैनी शुरू हो गई, ये भी ज़रा देख लीजिए ना कि लोगों को कितनी तकलीफ होना शुरू हुआ, कितनी बेचैनी शुरू हो गई कि अरे भाई क्या होने जा रहा है, क्या हो जाएगा। तो देखिए, तो हम लोग का कोई तो जनता मालिक है ना भाई,
हमारी बात नहीं जानते, हम व्यक्तिगत रूप से कभी कोई दावा नहीं करते। आपको ज्यादा जनता जनता मालिक है, जो फैसला करे जनता मालिक है, फैसला जो करती है हम उनका नमन करते हैं। अधिकार भाई जनता को है, अधिकार जनता को है कोई भी फैसला करना। नहीं नहीं, उससे क्या मतलब है, जो कुछ भी होगा, कोई कोई अनाउंसमेंट किया है, कोई सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद तो आगे क्या होना है, अगला प्रोग्राम क्या होगा, उसके बारे में तो डिसीजन होता है ना, उसके बाद डिसीजन होगा। कोई भी बात आएगी सामने तो करेंगे। हम लोगों का जो व्यू है, बीजेपी का जो व्यू है, मिल करके एक एनडीए की सरकार का तो निर्णय होगा उसके बाद। हम किसी के किसी चीज पर है जो करना चाहिए वो आप लोग कहिए ना, ये तो बीजेपी को निर्णय लेना है ना, हमको क्या करना, हमको उस पर कुछ नहीं करें, तो बीजेपी को निर्णय लेना है। क्या कहना है, आगे आइए ना, पीछे कहे चले गए आप, आपसे हमारी दोस्ती है, चाहे हम थोड़े ही कभी हम कभी थोड़े ही हम तो मान के चले गए ना सब ठीक है। क्या अभी अभी तय नहीं हुआ है, आपको बताया ना कि कल संभावित है कि सभी लोग हम लोग एक इनफॉर्मल बैठेंगे बातचीत करेंगे चारों घटक तक है। हाँ बता देंगे, कल के बाद बता देंगे आप। राजभवन जा रहे हैं आप, इसकी बात कर रहे हो? अभी कहाँ कुछ हुआ है, जब आपस में बातचीत होगा उसके बाद तो। जब इस्तीफा करने जाएंगे तो इस्तीफा करना तो उसके साथ साथ ये सब निर्णय लिया जाता है ना। इस्तीफा अगर नहीं करेंगे और हाउस का जो टाइम है उसको अगर डिजॉल्व नहीं करेंगे, और उस डिजॉल्व करने के बाद त्याग पत्र देना पड़ेगा, और तभी ना नई सरकार बनेगी, नहीं तो ये तो 29 तारीख तक है ना, इसलिए जो ही होता है, नहीं उसके पहले होगा भाई, हम खाली अभी चूंकि फाइनल नहीं है, कल ही मोटे तौर पर कुछ बात आएगी। सुझाव आप लोग का क्या हमने है, हम क्या करेंगे भाई, जब तक हम किसी सब चीज बात नहीं करते हैं। अरे भाई अब किसको क्या फैसला होता है, चलिए ठीक है।